हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रग्रेस सुथार फ्रॉम तक्षशिला इंग्लिश स्कूल्स। आज आगे बढ़ते हैं लैंको वाले चैप्टर में। तो लैंको कैसा, आई मीन पोस्ट मैन कैसा था? फैट एंड एमिएबल फेलो, फेलो यानी इंसान। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जाहिर सी बात है वो भी बेचारा इस लेटर को देख के तो हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, कमेंटेड बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, जैसे हंसता था उसकी भी हंसी निकल गई थी, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसकी टैपिंग, टैपिंग यानी थप करके क्या करना, टेबल पे रखना। कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, और क्या कमेंट कर रहा है कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी इस इंसान का जैसा फेथ है वो शायद मेरा होता, हु रॉट दिस लेटर। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भगवान के साथ बातचीत कर रहा है, करस्पॉन्डेंस ही कर रहा है, यानी कम्युनिकेट करने की ऐसी उसकी एक फेथ है कि भाई भगवान हमसे बातें करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अभी राइटर, राइटर कौन है हमारा, लैंको। तो लैंको जो है वो, लैंको का फेथ जो है वो भगवान से डगमगा ना जाए। इन ऑर्डर टू, ऑर्डर नॉट टू शेक, यानी उसका फेथ जो है वो डगमगा जाए, इसलिए वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक विचार आता है। आंसर द लेटर, क्या करता है कि अब जाहिर सी बात है ये लेटर तो कहीं जाने नहीं वाला है, वो पोस्ट ऑफिस में रहेगा, क्योंकि टू गॉड इट मीन्स ये तो कोई एड्रेस है ही नहीं। तो पोस्ट मास्टर ये सोच रहा है कि क्यों ना हम ही इस लेटर का आंसर दे दें। बट वेन ही ओपन्ड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, बट वेन ही ओपन्ड इट, लेकिन जब वो उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, कि अगर वो खोलेगा तो जाहिर सी बात है उसको उसका आंसर देना ही पड़ेगा। इट नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, अब ये लेटर जैसे ही उसने खोला तो उसके अंदर जो लिखा था उसका मतलब हुआ कि इट ही नीडेड अ समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल यानी सिर्फ आंसर देने से काम चलने वाला नहीं है। गुडविल क्या है कि भाई भगवान ने आंसर दिया, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा उसको चीज चाहिए, देयर इज समथिंग। क्यों? बिकॉज उसने 100 पैसोज मांगे थे। इंक एंड पेपर, यानी गुडविल इंक एंड पेपर, सिर्फ इंक और पेपर, यानी एक कागज और सिर्फ इंक और कुछ शब्द लिख देने से कि भी हाँ मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, मैं कुछ करूंगा, समथिंग लाइक दैट वे, ऐसा लिखने के अलावा उसको कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, कौन, पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन उसने निकाला था उसके साथ वो स्ट्रक रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे उसके पास से उसने कुछ कुछ पैसे जो थे वो शेयर मांगा। He himself gave a part of his salary, उसने अपनी आधी सैलरी जो थी उसमें दे दी। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके दूसरे जो friends थे वो भी, ये act of charity, charity यानी दान धर्म का काम है, तो इस act of charity में वो भी कुछ देने के लिए तैयार थे। It was impossible for him to gather together the 100 पैसों, लेकिन उसके लिए, किसके लिए, postmaster के लिए 100 पैसों कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ, लिटल मोर देन हाफ यानी 100 पैसों का आधा कितना होता है, 50, और 50 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। आगे देखेंगे कि उसको 70 पैसों यानी 70 यहां पे है लास्ट में, 70 पैसों उसको पहुंचे थे, तो यानी 70 पैसों यानी मोर देन क्या हुआ, हाफ, मोर देन हाफ हुआ। तो 100 तो कलेक्ट नहीं हुए लेकिन 70 पैसों कलेक्ट हुए। He put the money in an envelope addressed to Lanko and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने Lanko को उसके अंदर एक letter भी डाला लेकिन letters के अंदर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ as a signature क्या लिख दिया, God, and ऊपर लिखा था to Lanko, खत्म। अब ये postmaster की हुई help थी किसको, Lanko को, क्योंकि Lanko का faith वो क्या नहीं करना चाहता, डगमगा नहीं जाना था। आप देख सकते हो who और what did Lanko have a faith in, what did he do, तो Lanko को किस में faith था, भगवान में, और उसने क्या किया, तो भगवान को letter दिख दिया request करता हुआ। Who read the letters, letter किसने पढ़ा, तो postman और postmaster ने। What did the postmaster do then, postmaster ने क्या किया, तो उसने इस act of charity में अपने part of salary जो थी वो दी,
और दूसरे उसके जो फ्रेंड थे उनसे भी उसने कुछ बहुत पैसे जो थे वो मांगे और उसको दिए। द फॉलोइंग संडे लैंको केम अ बीट अर्लियर, दूसरे संडे लैंको जो था वो क्या हुआ, जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और जाहिर सी बात है आने के बाद यूजुअल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसने क्या पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया हो तो। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर्स टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यहां पे वर्ड्स है कि भाई लैंको आया था संडे को, एक संडे, और उसने पूछा कि मेरे लिए लेटर आया था, तो पोस्टमैन था वहां पे, जाहिर सी बात है हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर्स, जिसने उसको लेटर हैंडेड किया टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट मास्टर क्या कर रहे थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन। कंटेंटमेंट का मीनिंग यह है यहां पे सेटिस्फेक्शन, यानी जाहिर सी बात है जब हम किसी को कोई चीज देते हैं और दान वान करते हैं तो हमें एक यू नो सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग होती है वो फीलिंग होती है, तो पोस्ट मास्टर को भी ऐसी ही फीलिंग हो रही थी। एंड हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा काम किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसकी ऑफिस में से लैंको को देख रहे थे। लैंको शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंको को जो एनवेलप में पैसे थे ना, पैसे देखकर उसको जरा सा भी सरप्राइज, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, लैंको क्यों सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों सरप्राइज नहीं हुआ होगा भाई, लैंको इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि भगवान जो है ना वो मुझे श्योरली पैसे भेजने ही वाले हैं। ही हैज अ क्वाइट फेथ ऑन हिम एंड दैट्स वाई ही वॉज नॉट सरप्राइज, ये क्वेश्चन है याद रखिएगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसको तो पता ही था कि भाई भगवान जो है वो मुझे पैसे भेजने ही वाले हैं। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए, क्यों, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही तो वो लैंको ने जो मांगा था, जो रिक्वेस्ट की थी उसको डिनाई करना यानी मना करना कि वो ना तो करने नहीं वाले थे। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है, आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, वहां पे पेपर और इंक मांगता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. अब यहां पे एक वर्ड देखो आइडिया में सर, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, आपको पता है ना जब हम रिंकल, हमारी जो ब्रो आईब्रो जो है उसको जब रिंकल करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे अंदर गुस्सा पनप रहा है, हम गुस्सा शो कर रहे हैं, एंगर शो कर रहे हैं, तो ये रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी जो लिख रहा था जब राइटिंग करते वक्त उसकी जो आईब्रो थी ना वो रिंकलिंग हो रही थी, इसलिए ये शो कर रहा है कि भाई वो गुस्से में लिख रहा था। Caused by the effort he had made to express his ideas, उसका जो ideas था कि भाई ये आपने जो पैसे 100 भेजे हैं मुझे तो, लेकिन मेरे पास तो 70 ही आए हैं, तो उसका जो गुस्सा था, उसका जो anger था, वो express कर रहा था ना, इसके लिए उसकी wrinkling eyebrow हो रही थी। When he finished, he went to the window, buy a stamp which he licked, licked करना यानी ना वो कोई भी stamp आप लेते हो जब उसके ऊपर, तो क्या करते हो, tongue के ऊपर उसको थोड़ा सा गीला करते हो, उसे कहते हैं licked, licked करना। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलॉप, और क्या करता है, एनवेलॉप पे फिक्स करता है विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट यानी होता है ना हम उसको चिपकाने के लिए क्या मुट्ठी का प्रयोग करते हैं, फिस्ट हमारी मुट्ठी बना के उसके ऊपर ब्लो ब्लो करना यानी उसको ठोकना। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही लैंको ने उसको मेल बॉक्स में डाला तुरंत ही पोस्ट मास्टर जो था वो मेल बॉक्स ओपन करने के लिए जाए। इट सेड गॉड, जाहिर सी बात उसके ऊपर लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, उसके ऊपर लिखा था लेटर में कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क, कि भगवान मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे ओनली 70 पैसो रीच्ड मी, मेरे पास कितने पहुंचे हैं, सिर्फ 70 पैसो ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेजिएगा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, आप मुझे बाकी के पैसे भेजिएगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है, लेकिन डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स। लैंको देखो क्या लिखता है वो, कि भाई आप बाकी के पैसे मुझे भिजवाइएगा लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उनके हाथों मत भिजवाइएगा, मेल के थ्रू मत भिजवाइएगा, ये सारे क्या है, बंच ऑफ क्रुक, क्रुक्स यानी धोखेबाज, ये सारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज है वो क्या है, धोखेबाज है, उन्होंने बाकी के पैसे जो थे उसमें से ले लिए हैं, इसलिए आप जो भी पैसे भेजाएं वो मुझे बाय हैंड टू हैंड दीजिएगा।
तो अब आप सोच सकते हो कितनी आयरनी छुपी हुई है कि जिस इंसान ने, क्या आयरनी है यहां पे कि जिस पोस्ट ऑफ मास्टर्स, उसके जो एम्प्लॉयज थे, उन सभी ने इकट्ठा होकर कलेक्टिव एफर्ट कर सभी के अपने सैलरीज में से पैसे देकर लेंको का फेथ जो है वो भगवान से डगमगा ना जाए, शेक ऑफ ना हो जाए, इसीलिए उसको मदद की। और जबकि लेंको उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये आयरनी छुपी हुई है यहां पे, हम देख सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, वॉज लेंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ अ मनी इन इट। क्या सरप्राइज था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसको तो भरोसा था। क्या भरोसा था? कि भाई भगवान मुझे लेटर भेजेंगे ही, रिप्लाई करेंगे और मेरे पैसे भी देंगे। वॉट मेड हिम एंग्री, उसको क्या गुस्सा दिला रहा था? गुस्सा उसको वो चीज दिला रहा था कि भाई उसने जो रिक्वेस्ट की थी 100 पैसों की, उसकी जगह पे वहां पे 70 पैसों आए, और ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बाकी के आधे पैसे ले लिए हैं। तो ये चैप्टर था जिसमें ये आयरनी छुपी है, जिससे हमने पहले समरी में भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, समझने का, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉम्प्रिहेंशन और ये सब जो है वो नहीं पूछे जाते, इसमें थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से अपने हिसाब से सोच के थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वेरी वेल।